मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? तुम्हारी होने वाली सौतन है। जी हाँ, सुन लिया तुमने, मैं शादी कर रहा हूँ इसी से जिसके साथ करना चाहता था। किसी को बताने की जरूरत ही क्या है कि तुम यहाँ हो या नहीं हो? देखो, अगर अम्मी इधर आएंगी ना तो अजरा भाभी उनसे मिलने के बहाने हर दूसरे दिन हमारे घर पे आके बैठ जाएंगे और मैं अजरा भाभी को मजीद नहीं झेल सकती। बहुत कर लिया तुम लोग का लिहाज, अगर इतनी गैरत है ना तो जाओ जाके अपना और अपनी माँ का बंदोबस्त करो। बहुत कर लिया अपनी बुढ़िया की खिदमत है, हमने ठेका नहीं उठाया उस बुढ़िया का सारी जिंदगी का। चले अम्मी। क्या हो गया वलीद, कहाँ जाओगे इस वक्त? कहीं भी ले जाऊंगा लेकिन यहाँ पर नहीं रहूंगा मैं। चले अम्मी। अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं भी ले जाऊंगा लेकिन आपकी तरह बेआसरा उल्टे जाओ मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो जमाल भाई, हम दोनों भाई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक माँ से, अगर ये माँ ही ना हो तो कैसा भाई और कौन सा भाई? वलीद अम्मी कहने दे इसे, लापरवाही तो मुझसे हुई है, अपनी जिंदगी और कारोबार में इतना मगन हो गया कि मैंने पलट के आपकी तरफ देखा तक नहीं। गैर दिला रहे हैं मुझे, ठीक दिला रहे यार, पहले मैं तुझसे माफी मांग लूं। यार अपने भाई को माफ कर दे यार, माफ कर दे। जाने अम्मी मैं क्यों इतना बेखबर रहा, आप मुझे माफ कर दें, आपने जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए लेकिन मुझे अपने आप से जुदा मत कीजिएगा। इस घर को छोड़ के मत जाइएगा। ये देख फिर मांग रहा हूं आपसे, माफ कर दें, माफ कर दें, नालायक बेटे को माफ कर दे एक दफा। सुनती हो? देख रही है इसको, कोई और भाई होता ना तो जमाल को रोकता, पकड़ता, पूछता कि भाई तुम कौन होते हो मेरी बहन को घर से बेघर करने वाले, इस पैर लगे उसको यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो? लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये तो जाकर बीवी के पल्लू से लगकर बैठ गया, ये भाई ये बेगैरत हमारा, इन्हें जाके चुप करा लो, मेरा खून खौल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों चीखे जा रही है? खुदा का वास्ते चुप कर दे, चुप कर दे। अरे कुछ शर्म कर ले, कुछ शर्म कर ले, बहन का शोर हाथ पकड़ के घर छोड़ के चला गया और तू जाके बीवी के साथ मस्कोटे मार रहा है अंदर है? तुझे बहन की कोई फिक्र नहीं है, बीवी अजीज है, अपने सुकून अजीज है। अभी देख रही है आप ही समझाए इन्हें, अगर ये ऐसे ही अड़ी रही ना तो फिर हमेशा यहाँ ही बैठी रहेंगी। अरे आप तो दुआ दे अपनी सास को जो आपको यहाँ से साथ ले गई थी, वरना जमाल भाई तो शुरू में ही आपको यहाँ छोड़ गए थे, वो तो आपके सास ससुर थे जो आपको यहाँ से ले गए। देखो देखा आपने कैसी पुरानी बातें कुरेद कुरेद के ना मुझे ताने मार रहा है, ये यकीन है इसकी बीवी ने पट्टी पढ़ा के भेजा अंदर से कि जाओ जाकर अपनी बहन को जलील करो, ये बातें बोल बोल कर, सब अच्छी तरह जानती हूँ उस कुटनी को मैं। देख ले इसको, बात सुने, मुझे तो ना बीच में ना लेकर आए आप,
हम हाँ वहाँ का गुस्सा आप यहाँ पे लाके निकाल रही। अब बोल दे कि जमाल भाई को भी मैंने ही कहा होगा कि आपको यहाँ लाके छोड़ जाए। तुझे तो मैं रहती है अधूरा अजरा बैठ। क्या हो गया? अमीना तुम जाओ अंदर। अजरा पता नहीं कौन से खानदान से उठा के लाई है। चुप कर जा अजरा, खुदा के लिए चुप कर जा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जमाल आधी रात को तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही, पता नहीं क्या होगा। फिक्र हो रही है? तू क्या बोल रहा है मुझे? जा जाके बीवी के पास बैठ जा जाके। अच्छा चुप कर जा, इसके पीछे ना बस भूख लग रही है मुझे। अस्मा तुम्हें उससे रोकना चाहिए था। अब जमाल ने तो जिद पकड़ ली है कि वो अजरा को वापस लेकर नहीं आएगा। और वापस लाने चाहिए भी नहीं। बस फरीद, जो हुआ सो हुआ, लकीर पीटने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी इतनी छोटी बात नहीं है कि जो हुआ सो हुआ कह के बात खत्म कर दी जाए। छोटी बात नहीं है तो छोटों के करने की भी बात नहीं है। तुम ये बताओ कि वापस कब जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ आपके पास। और अगर जाऊंगा तो आपको साथ लेके जाऊंगा। नहीं वलीद, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी फिक्र करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वापस जाओ, तुम्हारे काम का हरज होगा। मैं अस्मा के साथ वापस चली जाऊंगी। कहाँ जाएंगी? नसीर भाई के घर। भाभी तो उन्हें फोन कर करके थक गई है, लेकिन वो तो फोन तक नहीं उठा रहे। उन्हें तो इससे भी गर्ज नहीं पड़ता कि आप जिंदा है कि। अस्मा क्या जाके देखो बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं। अभी भी आपको अपने अलावा हर एक की फिक्र है। किसी के बारे में कुछ मत सोचे, बस आराम करें। अस्मा जाओ बेटा, जाओ जाके देखो खाने का। ये ले चाय आपकी। ये तुमने क्यों बनाई बेटा? मैं आ रही थी ना, बना लेती खुद ही। बचपन में सबसे ज्यादा मैंने आपको तंग किया है ना। आप सबसे कहती थी कि मेरे सारे बेटे शरीफ हैं, बस ये छोटा वाला बड़ा शरारती है। हाँ और तू था भी बहुत शरारती। तो सुधर गया हूं ना मैं। इधर मेरा प्यारा बेटा है, जीता रहे, खुश रहे। ये नहीं चाहे पियो। मैं अम्मी से मिलने जा रही थी, आप भी साथ चलें। कल मैंने इतने फोन किए, आपने फोन भी नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक की। क्यों, कोई कयामत आ गई थी या फिर अपने वकील से बात करवानी थी? अम्मी परेशान होकर ओल्ड एज होम चली गई थी। वलीद ना आता तो किसी को पता भी ना चलता। हाँ अच्छा, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए तुमने अम्मी के साथ मिलकर ये ओल्ड एज होम वाली कहानी बनाई।
क्या समझते? तुम और अम्मी मिलकर मेरी शादी रुकवा लोगे क्या? आपकी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ना अम्मी को ना किसी और को। हाँ तो बता दो, मुझे कौन सा अपनी शादी को कोई राज रखना है? छुपा कर एहसान नहीं करूं, पकाकर नहीं ला रहा हूं, डंके की चोट पर निकाह कर। और मुझे पता है तुम वहां जाकर मेरी शादी रोकने की प्लानिंग कर, इसीलिए तुमने वलीद को लाहौर से बुलाया है ना? धनी, कौन ये मनफी बातें आपके जहन में डालते? और मुझे आपकी शादी रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूं मैं। अच्छा तो फिर किसने शह दी है तुम्हें नोटिस भिजवाने की? क्योंकि तुम्हें खुद तो इतना दम है नहीं। अब है, और ये नोटिस मैंने आपको अपने ही दम पर भेजा है। अदालत में मैं इतना लंबा केस चलाऊंगा कि पेशियां भुगतती रह जाओगी। तो शादी से लेके अब तक आपके सामने पेशियां ही भुगतती आई हूं, अदालत में भी भुगत लूंगी। पलट कर इस घर में वापस आने की कोई जरूरत? अपने बच्चे का हाथ पकड़ो, ये सिलाई मशीन उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। इसके अलावा इस घर की किसी भी चीज को हाथ लगाए बगैर निकल जाओ। अब मैं क्या करूं, पता नहीं क्यों उसे यकीन है कि मुझे रक्षी का पता मालूम है। वो रोजाना मेरी एजेंसी में आ जाता है। ए बस कर दो, तुम्हारी अकल के घास सड़ने के लिए गई हुई है जो मुंह उठा के तुम यहाँ चले आए। ये इतनी सी बात तुम फोन पे भी तो कर सकते थे ना, मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? अरे वो मनहूस मारे, अगर वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ मेरे घर तक पहुँच गया तो। भाई मैं भी तो परेशानी होकर आया हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है कि वो सच कह रहा है, रक्षी को कोई तलाक वगैरह नहीं हुई, वो अभी तक उसका शौहर है, जभी तो दीवानावाद ढूंढ रहा है उसे। ओ भाई बात सुनो, औरतों की तरह चपड़ चपड़ मत किया करो, अपने काम से काम रखा करो तुम। अरे वो मुझे काम करने दे तब ना। अरे नहीं, जाओ यहाँ से, चलने की करो, और अब यहाँ आने की बार बार कोई जरूरत नहीं है। फोन किस लिए रखा हुआ है? फोन करना मुझे, और वो रोजाना मेरे ऑफिस आ जाता है। अरे तो ऑफिस छोड़ दो ना। वाह खाला वाह, तुम तो ऑफिस बदलने को ऐसा कह रही हो जैसे कपड़े बदलने, यूं उतारे हो यूं दूसरे पहन लिए। इधर आओ, चलो जाओ, शाबाशी, चलते बनो, जाओ जाओ ना दो। अरे खाला खाला, बुरी उम्र से बड़ा खाला, अरे हट जा खाला। ए, मेरा जो दिल है ना वो यो यो कर रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ख्वाब भी आई रात में बुरे मुझे। ये देख तेरे पीछे पड़ गया है तेरा काम, जान अपनी छुड़वा या यहाँ से निकलने की करें कहीं। अम्मी आप समझाएं अज़रा बाजी, जमाल भाई बहुत गुस्से से छोड़ के गए हैं उनको, पता नहीं उनका क्या इरादा है। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है भाई? अभी गुस्से में गया है छोड़कर, दो दिन में गुस्सा उतर जाएगा, अकेले जाएगा। हाँ यही कह के आपने दिलासा दिया होगा बाजी को, आधी से ज्यादा शह तो आप दे देती हैं उन्हें। ऐसी कौन सी शह दे दी है मैंने उसे? अरे जब वो अपनी सास की बुराइयां आगे करती थी आपसे, आप भी तो हाँ में हाँ मिला देती थी। आपको सख्ती करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि बहुत अच्छे ससुराल हैं, मिलजुल के रहो, मगर नहीं। हाय हाय, देखो ना मेरी इकलौती बेटी है, अब उसकी दिलजोई के लिए मुझे हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ती थी ना, मुझे क्या पता था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। अम्मी आपकी इकलौती बेटी है तो मेरी भी इकलौती बहन है, कब चाहूंगा कि उसका घर खराब हो। लेकिन अब क्या करें, ऐसा करेंगे तो फिर जमाल भाई तो कभी भी लेके नहीं जाएंगे। देखिए पहले की बात कुछ और थी, मगर इस बार तो अज़रा बाजी ने हद कर दी है,
देख ले आप। बस अल्लाह खैर करे। वैसे मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ ये दोनों का समझौता हो जाए और किसी तरह इन दोनों के दिमाग सही हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके घर। ठीक कह रही है। नहीं बस अल्लाह उन पे रहम करे और अल्लाह इस बेटी के दिमाग ठीक कर दे। तुम्हारे अब्बा क्या फौत हुए? इसने तो सारी हदें पार कर। मैं नसीर से बात करता हूँ। नहीं जमाल भाई, आप उनसे कोई बात नहीं करी अब। लेकिन अस्मा, मैं उनको खुलाकर नोटिस भेज चुकी हूँ। मेरा वहां रहना बनता नहीं है। फौरी तौर पर कोई और ठिकाना नहीं था इसलिए यहां पर आ गई। मगर मैं अपना इंतजाम कर लूंगी, आप लोगों पर बोझ नहीं बनू। अस्मा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, तुम नसीर की बीवी बाद में हो, पहले हमारी बहन हो। नसीर के साथ तुम रहो या ना रहो हमें से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन तुम इस घर का हिस्सा हो और इस खानदान का हिस्सा रहोगी। मैं नसीर से बात करता हूं। घर छोड़ने का फैसला मेरा था जमाल भाई, उनका नहीं। आप में से कोई भी उनसे बात करेगा तो वो उल्टा मतलब निकालेंगे। उनको लगेगा कि मैं आप लोगों को बीच में डालकर उनकी शादी रुकवाना चाहती हूँ। शादी? जी। वो शादी करना चाह रहा है उसी लड़की से जिनसे वो करना चाहते थे। क्या रिपोर्ट है? क्या है अम्मी? क्यों बार बार फोन करी जा रहे हैं? अगर अब्बू ने देख लिया ना कि मैं आपसे बात करें तो शामत आ जाएगी मेरी। बक बक बंद कर और जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे। ये बता कि वो मेरे वहाँ ना होने से तेरा बाप तो परेशान हो गया होगा ना, है ना? खाने पीने की तंगी, कोई खाना बनाने वाला नहीं, बाजार का खाना खा रहे होगे तुम लोग। तुझे तो कुछ आता नहीं, तू तो इतनी फूहड़ है कि खाना बना रहे हैं। नहीं बना रही होगी तू तो खाना। और उमर, उमर का बता, उमर तंग कर रहा है बाप को या नहीं? कह रहा है कि अम्मी के पास जाना है, अम्मी को लेकर आओ है। कोई नहीं, कोई घर में परेशान नहीं है ना। उमर रो रहा है, आराम से शाहजेब के साथ खेल रहा है। अस्मा चाची भी आई हुई है, सारा घर उन्होंने संभाल के रखा है। अस्मा वहाँ क्या कर रही है? वो क्यों आके पड़ गई है वहाँ पे? नसीर भी है क्या साथ? नहीं, नसीर चाचा तो नहीं है। नसीर चाचा ने घर से निकाल दिया है और अस्मा चाची उनसे अलग हो रही है। ये क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है? है? अरे भाई पागल हो गए क्या? बीवियों को घरों से निकाल रहे हैं और बुढ़िया चुप करके बैठी हुई है। क्या कह रही है तू? ये सही कह रही हूँ मैं। नसीर चाचा शादी कर रहे हैं, वो भी उसी लड़की से जिनसे आपने और दादी ने उनकी शादी नहीं होने दी थी। अरे ना, इसके दिमाग में क्या फोड़ और उस लड़की से शादी करने का है? ओए लो बेचारी अस्मा, पता नहीं क्या कर रही होगी, उधर सीधी शादी सी है और चुप चुप के रो रही होगी। ये बता तेरी दादी कुछ क्यों नहीं कह रही नसीर को? जूते लगाए उसको दो। नहीं चाची ने उन्हें मना कर दिया। है? क्यों मना कर दिया भाई? तेरी दादी को जाना चाहिए ना, समझाना चाहिए नसीर को। और अपने बाप की बता, वो कुछ कह रहा था मेरे लिए? अम्मा और कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। अब मैं कॉल बंद कर रही हूँ इससे पहले कि कोई और देखे। अल्लाह हाफिज़। अरे बात तो सुन, ऐसा मुंह पे फोन पटका इस लड़की ने मेरे। ये नहीं कि बाप को बोले कि माँ की याद आ रही है, माँ को घर लेकर आओ, ऊपर से मजे ले रही है अकेली मेरे बगैर। हाँ हाँ अम्मी, पता है नसीर शादी कर रहा है, अस्मा को घर से निकाल दिया है। और किससे कर रहा है? वो ही जो लड़की थी ना जिससे मैंने और मेरी सास ने इसकी शादी नहीं होने दी थी, रोक लिया था इसको और अस्मा से इसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी, उसी लड़की से शादी कर रहा है। ऐसी तेज लड़की है ना, नसीर को बेच के खा जाए।
अगर मैं वहां होती ना कसम से कौन मरोड़ के नसीर को लेकर आती और कहती कि चल अपनी बीवी को घर लेकर जा, तो पागल हो गया क्या? ऐसे जूते लगाती ना मैं नसीर को, अब पता चलेगा सारे कुंबे को। अजरा नहीं है ना, अजरा होती ना तो ये सब कुछ नहीं होने देती। अजरा होती तो नसीर कैसे अस्मा को घर से निकाल के आराम से बैठा होता? अजरा होती ना तो नसीर किसी और औरत से शादी नहीं कर पाता। बता रही हूँ मैं, ये मैं वहां नहीं हूँ ना, इसीलिए आफत आ रही है उस कुंबे पे। अगर मैं वहां होती ना तो सबको बताती, ऐसा कुंबे को समेट के रखती थी। मजार जो नसीर अस्मा के साथ कुछ गलत कर दे मेरे सामने। हाँ हाय बिचारी अस्मा की बड़ी फिक्र हो रही है मुझे, वो तो बहुत ही सीधी सी है, कुछ बोलती भी नहीं है बिचारी। तू नसीर की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। अस्मा को बोल कि वो जमाल को राजी करे, वो आए और तुझे आके यहाँ से ले जाए। सब पता है मुझे, ये जो तुम राग अलाप रही हो ना, ये सब कुछ सिखाई पढ़ाई तुम्हें वकार ने की है, जो कि मेरा भाई और तुम्हारा बेटा है। अरे कैसा कमजोर है वो लड़का, बता देना उसको मैं नहीं जाने वाली कहीं है। अगर वो ये चाह रहा है ना कि मैं हाथ जोड़ के उनके आगे जो है ना वो रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाए, तो अजरा नहीं करने वाली किसी से ये दरख्वास्तें। बता दिया मैंने, बता देना अपने बेटे को तुम्हारा। अरे हाय अजरा, तू तो बात को ना अलग ही रंग दे देती है। सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ मैं अम्मी, तुम्हारे रवैये भी और इस घर में रहने वालों के रवैये भी। अंधी नहीं हूँ मैं और ना ही बेवकूफ हूँ, सब समझती हूँ। तौबा तौबा, अल्लाह। पासे भाई से इतना नहीं हुआ कि वो अम्मी से मिलकर ही चले जाते। वो असल में ऑफिस वालों ने जल्दी बुला लिया, वरना वो तो बस भाभी, ना तो आपसे किसी ने वजाहत मांगी है और ना आपको देने की जरूरत है। पासे भाई बड़े आदमी बन गए, अल्लाह उनको और तरक्की दे। आप लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, यहाँ किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे अमीन भाई, नाराजगी की क्या बात है, बस काम शुरू करते हैं ना, अल्लाह का नाम ले काम शुरू करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अरे इशफाक मुबारक हो भाई, अमीन भाई ने ऑर्डर दे दिया मैं दोबारा। अच्छा हाँ, उसी पार्टी का काम उनकी समझ में नहीं आया। ये तो बहुत खुशी की बात है जमाल भाई, इस पे तो मिठाई बनती है। बिल्कुल बनती है, और ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ है। अम्मी जब से वापस आई ने आते ही दुआ की होगी, लोग एहसास नहीं करते यार माँ की दुआ में कितनी ताकत है। तुझे पता है जब हजरत मूसा ने सलाम अल्लाह के हुजूर पेश हुए तो उनको एक ठोकर लगी, तो गैब से आवाज आती है कि मूसा संभाल कर, तेरे पीछे दुआ करने वाली अब तेरी मां नहीं है। यार बड़ी नेमत है मां, यार बहुत बड़ी नेमत। या मेरी मां को सलाम। पासे भाई से इतना नहीं हुआ कि वो अम्मी से मिलकर ही चले जाते। वो असल में ऑफिस वालों ने जल्दी बुला लिया, वरना वो तो बस भाभी, ना तो आपसे किसी ने वजाहत मांगी है और ना आपको देने की जरूरत है। पासे भाई बड़े आदमी बन गए, अल्लाह उनको और तरक्की दे। आप लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, या किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वलीद, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? अभी मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ और तुम ऐसे बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है मेरे बाद तुम बिल्कुल ही बदलिहाज हो जाओगे। बुरा मत मनाना बेटा, मेरी वजह से जरा परेशान है, इसलिए इसके लहजे में तलखी आ गई है। अभी तुम देखना, थोड़ी देर में से खुद एहसास होगा और तुमसे आके माफी मांगेगा। अस्मा बेटा फरत आई है, चाय नहीं पिलाओगी क्या इसे? अम्मी पानी रखा हुआ है चूल्हे। अम्मी अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो? नहीं फरत, मुझे तो किसी से भी कोई शिकायत नहीं है।
अल्लाह तुम्हें और वासिफ को हमेशा खुश रखे। वासिफ खैरियत से तो है ना? मैंने सुना जहां वो गया है वहां बहुत ठंड पड़ती है और वासिफ को तो बहुत जल्द जुकाम हो जाता है। उससे कहना कि अम्मी ने सख्ती से कहा है कि दालचीनी और अदरक का कावा सुबह शाम जरूर पिए। और देखो बेटा, वासिफ को यहाँ की कोई बात ना बताना वरना उसका ध्यान हटेगा काम से। देखो फरहत, मैं ये समझती हूँ कि अगर साथ रहने में झगड़े बढ़ जाएं तो अलग होना ही बेहतर है। मैं ये जबरदस्ती की जॉइंट फैमिली की कायल नहीं हूँ, लेकिन अलग होने से झगड़े खत्म हो, रिश्ते खत्म ना हो। और देखो बेटा, खानदानों को मर्द नहीं औरतें लेकर चलती हैं। कोशिश करो कि मेल मिलाप रहे। खुदा ना खास्ता अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो खानदान के चार लोग तो तुम्हारे साथ खड़े होंगे ना। भाई को भाई की तो जरूरत पड़ती ही है ना, और भाइयों का ताल्लुक उनकी बीवियों के रवैये से या तो कायम रहता है या फिर टूट जाता है। समझ रही हो ना मेरी बात? अजरा बेटा आ जाओ, खाना खा लो। अम्मी भाई मेरा खाना ना यहीं दे दो, मेरा ड्रामा निकल जाएगा। तुम भी यहीं आ जाओ बनके, बड़ा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है, आ जाओ जल्दी। भाई ऐसी बेफिक्री पे तो लानत है, ना कोई शोहर की नाराजगी की परवाह, ना कोई बच्चों का ख्याल। घर जाए भाड़ में पर ड्रामे की किस्त ना निकले। तुम तो खाना खाओ चुप करके, अम्मी समझा अपनी बीवी को। सालन पास कर रहे थे। जमाल भाई, अरे तुम अभी तक सोए नहीं? आप भी तो नहीं सोए। मुझे माफ कर दे जमाल भाई, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं, ठीक किया तुमने, बिल्कुल ठीक किया। भाई एहसास दिलाया तुमने मुझे, बेखबर था मैं यार। ठीक किया। आप अजरा भाभी को वापस ले आए, मैं माफी मांग लूंगा उनसे। बहुत झेल लिया मैंने अजरा को, मेरी बात सो गई यार। बस अल्लाह से दुआ है कि तुझे अजरा जैसी बीवी ना मिले। इन जैसी बीवियां मर्दों के आगे हर वक्त नाशुकरी का रोना रोती हैं। मर्द कभी जिंदगी में सुकून नहीं पाता। ये तो जरा को पहले ही छोड़ देना चाहिए था यार। इन जैसी औरतें खानदान में आके सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलाती हैं, मनफी सोच रखती हैं ये औरतें। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप की तरबियत बहुत अच्छी थी कि आज तक हम भाई एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वरना पता नहीं कब का एक दूसरे के गिरबान पकड़े होते। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इन जैसी औरतों को हिदायत दे यार, जो भाइयों को भाइयों से लड़ाती हैं। चलें आए सो जाएं बाबा के। कुछ आना सो जा। चले ले जाओ भाई, अकेले मत बैठ। क्या तुझे समझ रहा था मैं तुझसे नाराज हूँ? अस्मा, मैं तो कहती हूँ कि तुम मत जाओ, तुम जाओगी तो वो फिर से चीखेगा। मुझे अपने जेवर की फिक्र नहीं है,
लेकिन जो अमानत आपने मेरे पास रखवाई थी वो लेने में जरूर जाऊंगी। देखो अगर जाना जरूरी भी है ना तो फिर वलीद के साथ जाओ। अम्मी घर की चाबी है मेरे पास और इस वक्त नसीर दुकान पर होंगे, बेहतर है कि मैं अभी ही चली जाऊं। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, खैरियत से जाना बेटा और जल्दी वापस आना। उसने मुझे कहा कि आज सब लोग रिश्ते के लिए आएंगे ना तो तुम यही पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या जरूरी है कि मामू इतनी जल्दी शादी के लिए? हाँ अजरा ये बंद करो टीवी। के लिए मेरी खुशियों से अहम और कुछ भी नहीं। बोलो क्या बात है? मैं कह रही हूँ जमाल को फोन करो और उसे माफी तलाफी करके अपने घर जाने की तैयारी करो। क्या कहा? मैं माफी मांगू जमाल से? मैं? जमाल ने मुझे मारा है, अजरा पे हाथ उठाया है जमाल ने, और तुम कह रहे हो कि मैं उससे माफी मांगू? माफी तो उसको मुझसे मांगनी चाहिए कि उसने मेरे पर हाथ कैसे उठाया। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि तुमको और वकार को जाना चाहिए था उससे दो दो हाथ करने के लिए कि तुमने हमारी बेटी पर और हमारी बहन पे कैसे हाथ उठाया। लेकिन नहीं, तुम लोग तो खुश हो रहे होगे ना कि अच्छा वो अजरा पिटी। तौबा है तौबा, जो कुछ तुमने उसकी माँ के साथ किया है ना उसके आगे तो जमाल का गुस्सा कुछ भी नहीं था, समझी? अच्छा तुम चाह रही हो कि मेरा गला दबा देता हुआ है? कुछ भी नहीं था, से भी ज्यादा बुरा करता। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया था मैंने उस बुढ़िया को, बड़ी हुक्मरानी कर ली थी उसने, जान छुड़ाई है मैंने उससे। हाँ बिल्कुल ठीक किया उसके साथ, वो इसी काबिल थी। सब पता है तुम्हें, सब पता है कि मैंने इतने साल कैसे गुजारे, फिर भी तुम ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वकार ठीक ही कह रहा था, मुझे शुरू में तुम्हें रोक देना चाहिए था जब तुम शिकायतें लेकर आती थी मेरे पास और मैं भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती गई। अच्छा अब पता चला मुझे कि ये सारी कहानी जो है वकार की चलाई हुई है। तुम अपने बेटे की जबान बोल रही हो, वो वकार तुमको पटिया पढ़ाता है और उसकी बीवी उसको पटिया पढ़ाती है और तुम यहाँ पर आके मेरे ऊपर शुरू हो जाती हो। बताती हूँ इन दोनों को मैं आज। अजरा अजरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे वकार को और समीना को चूल्हे में डालो। अगर जमाल ने तुम्हें छोड़ दिया तो ये सोचो कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। मैंने कहा जाने भाई, यही रहना है, मैंने यहीं पे पड़ी रहूंगी। ये मेरे बाप का घर है, मेरा घर है, मेरा हिस्सा इस घर में है। मैं देखती हूँ कोई मुझे हिला के तो दिखाए, टस से मस नहीं कर सकता इस घर से कोई मुझे। आई बड़ी को ओ जाओगी हमारे सीने पे मूंग दलना बैठ के। हाँ दलूंगी दलूंगी मूंग दलूंगी। तुम्हारी कितनी जिंदगी रह गई है अब, तुमने तो निकल जाना ऊपर अल्लाह के पास है और ये भाई मेरा हिस्सा खा जाएगा। मेरी सास से कम नहीं हो तुम भी, उससे ज्यादा बड़बड़ करती हो। भाई ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो सारा जेवर उठा के यहाँ पे ले आए। खाली घर में चोरी चकारी का तो डर होता है ना बेटा। ये अकल भी मैंने दी है इसको कि अपना सारा सामान हिफाजत से हमारे घर रखवा दे। अरे भाई अभी तो वो खाली हाथ गई है लेकिन बाद में अपना सामान लेने तो आएगी ना। मैंने सिवाय उसकी सिलाई मशीन के किसी चीज को हाथ नहीं लगाने दिया। हाँ नसीर बड़ा अकलमंद बच्चा है बेटा, तेरी अमानत है हमारे पास तो। अच्छा मेरी बात सुन बेटा, अब तू जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां कर। यूं कर रक्षी को अपने घर साथ ही ले जा, अकेला घर है भाई, खाने को दौड़ता होगा। जब मेरी बच्ची तेरे घर कदम रखेगी ना तो यूं रौनक हो जाएगी, रोशनियां आ जाएंगी घर में। हाँ हाँ अच्छा वो बात सुनो, थोड़े से पैसे ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में। हाँ पार्लर की बुकिंग करवानी है ना। हाँ हाँ आज ही कर दूंगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। मैं भी हल्का सा। अच्छा नहीं नहीं बेटा नहीं, वो अपनी माँ बेटी। बात सुनो शेरवानी वही वाली लेना जो तस्वीर में देखी थी। बहुत प्यारी थी वो। जी जनाब और कोई हुक्म? बाकी हुक्म तो शादी के बाद ही चला रहा। चला लेना चला लेना। चलता हूँ।
बहुत प्यारा बेटा, इतना अच्छा लगेगा दूल्हा बनके। इसमें से एक माँ को दे दे, देख माँ ने सारी जिंदगी भूख नंग में गुजार दी, सोना नसीब ही नहीं हुआ। सबसे हल्का वाला दूंगी। तो दिखा टीके वाला, देना तेरी शादी पे टीका लगा के यूं 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 करके फिरूंगी। अच्छा सुन, इन सारी बातों को छोड़, उस नजम को फोन किया है फ्लैट का पता करे ताके? वो कह रहा है कि बगैर फ्लैट के ही पार्टी घेर लेगा, सौदा डन समझो। चलो शुक्र है अल्लाह। फोन तो लगा ना उसको, अपना फोन उठा दो। लो जी मेरा फोन, इसमें बैलेंस कम है, छोटी बात करना। अच्छा अम्मी, मैं सामान लेने जा रही हूँ। लिस्ट रख ली? हाँ जी रख ली। हाँ भाई, कहाँ चली वन ठन के? है बाजार जा रही है महीने का सौदा लेने। अरे अच्छा वो बता दिया अम्मी। बात सुनो भाई, मैं मैसेज कर रही हूँ, मेरे लिए शैम्पू ले आना। पता नहीं कौन सी घटिया क्वालिटी का शैम्पू इस्तेमाल करते हो तुम लोग, मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू के जैसे हो गए है ना अम्मी। देखो बिल्कुल समीना के जैसे बाल हो रहे, वो जामा नहीं होता बर्तन धोने वाला वैसे। मेरे बाल कोई खराब नहीं हुए और मेरे पास ना कोई इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए शैम्पू लेकर आऊं। हाय 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 हाय, कैसे सपाट को जवाब देकर गई है मुंह पर? रुकती तो मैं बताती इसको। देख रही हो तुम कैसे सामान चला के गई है ये मुझसे, है सपाट से जवाब दे दिया मुंह के ऊपर। तुम बस बैठी सुनती रहो, मेरी बारी आई थी शैम्पू के लिए, कहती मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। आने दो बकार को, सीधा करती हूँ इसका दिमाग भी और उसका भी। अब ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? अजरा अजरा कैसे तुम्हें समझाऊं? अगर तुम बकार से शिकायत करोगी ना तो वो यही कहेगा कि बाजी खुदा के लिए आप अपने घर वापस चले जाए। ऐसे कैसे बोलेगा है? चली जाओ, क्यों चली जाओ भाई, ये घर जितना उसका है ना उतना मेरा भी है, मेरे बाप का घर है ये। देखती हूँ कौन कहता है मुझे यहाँ से जाने के लिए। अजरा बाजी इस घर से चली जाओ, आए बड़े। और अगर इतना ही शौक है ना मुझे भेजने का तो उसको बोलो कि मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे, तो मैं उसकी जान छोड़ दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, वो हिस्सा लेकर तुम कहाँ जाओगी? इतने पैसे कहाँ रखोगी? देखो उसने कहा तो है ना कि मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हें पैसे दे दूंगा। समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें इत्मीनान ही नहीं है, पता नहीं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हो तुम। मुझे कतरा कतरा करके ना समंदर नहीं बनाना, थोड़े थोड़े करके दे देगा, मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए, समझी आप? चली जाऊंगी फिर जान छोड़कर तुम लोगों की मैं। हाय अल्लाह, क्या बनेगा,